सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमएफ फाइनल लॉ का चैप्टर 1 कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। सो स्टार्ट करते हैं कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, पूरी बुक बेस्ड है कंपनीज एक्ट 2013 पे। सो कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर हैं, 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दी एक्ट, मीन्स ए कंपनी किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितने आपके पास शेयर्स होंगे उतनी आपकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबर आते जाते रहेंगे पर कंपनी की कॉन्टिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मीन्स कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं जहाँ पे कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, तो स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे बात कर ले तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंबर्स के बेसिस पे, तो 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल के बेसिस पे, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग के बेसिस पे, तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और अदर में गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले SR पास करना होगा, अल्टरनेशन करनी होगी आर्टिकल में और जो भी अल्टरनेशन होगी वो ROC को सेंड करनी होगी विद इन 15 डेज में। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक कंपनी को कब रजिस्टर कराना है। जब 50 मेंबर से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका एसोसिएशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के तहत अगर कंपनीज़ के मेंबर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की, तो 3 फॉर्म में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर मीन्स सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे ROC को, देन ROC आपको CIN अलॉट कर देगी, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करके रखने होंगे। देन अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है देन सेक्शन 447 के तहत एक्शन लिया जाता है और या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देती है लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर दी जाएगी मेंबर्स की या ना नेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन में से और वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। 1% भी कंपनी आज की डेट में ओपन कर सकते हैं। सो ओपन करने के लिए सबसे पहले MO में नॉमिनी का नेम इंडिकेट होना चाहिए और कंसेंट चाहिए नॉमिनी का, और नॉमिनी कभी भी अपना कंसेंट विदड्रॉ कर सकते हैं नोटिस देकर ROC और कंपनी को। नेक्स्ट हम बात कर ले कंपनी सेक्शन 8 NGO में कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती एज अ 1% कंपनी, और OPC को अगर किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना है तो 2 साल का वेट करना पड़ेगा, या फिर एक्सेप्शन से अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या फिर टर्नओवर 2 करोड़ हो जाती है तो OPC कैन बी कन्वर्ट टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, एक सेपरेट और लीगल एंटिटी मान ली जाएगी। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। MOA एंड AO का इफेक्ट जो होता है वो होगा एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स के बीच बन जाता है, बट नॉट विद आउटसाइडर। कंपनी और आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की। जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी विद इन 15 डेज में एक रजिस्टर्ड ऑफिस लेना होगा और विद इन 30 डेज में IN-C-22 फाइल करना होगा ROC को, और वहाँ पे नेम वगैरह शो करना होगा जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और कोई भी चेंजेस होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में तो विद इन 15 डेज में ROC को इंटीमेट करना होगा। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MOA। MOA मीन्स कंपनी क्या क्या कर सकती है, पावर्स एंड स्कोप एंड द पावर ऑफ कंपनी। उसमें कंटेंट में होते हैं नेम, ऑब्जेक्ट, स्टेट, लाइबिलिटी वगैरह। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल MOA एंड MOA होते हैं IMCA की वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल A-E तक होते हैं MOA, आर्टिफिशियल MOA। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्लाइंग द नेम ऑफ कंपनी। नेम अप्लाई करने से पहले चेक करना होगा कि वो नेम किसी का आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड ना हो,
और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पैट्रोनेज से रिलेटेड ना हो। इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम विद इन 20 डेज में, अगर न्यू कंपनी है तो विद इन 20 डेज में रजिस्टर्ड करना होगा, और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो विद इन 16 डेज में रजिस्टर करना होगा। और अगर रॉन्ग या इनकरेक्ट नेम है तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी जिस मेंबर ने अप्लाई किया है, या फिर 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा बींग हियर अपॉर्चुनिटी की चेंज कर दो, या फिर नेम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा या कंपनी वाइंडिंग अप कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ एमएमए, मीन्स अगर कोई भी चेंजेस करने लाइक नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो एसआर पास करके अल्टरनेशन कर सकते हैं एमएमए, और जो भी अल्टरनेशन होगी विद इन 15 डेज में आरओसी को सबमिट करनी होगी, देन आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो आपको डायरेक्शन दे सकता है नाम रेक्टिफाई करने के लिए विद इन 3 मंथ और 6 मंथ अकॉर्डिंग टू केस, और जो भी चेंजेस वगैरह होंगे विद इन 15 डेज में आरओसी को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि हाउ टू डू, कैसे करना है चीज़ों को, तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इंटरनल मैटर्स वगैरह इंक्लूजन होते हैं, और आर्टिफिशियल AOA MCA की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेबल F टू टेबल J मिल जाएगी ऑनलाइन MCA की वेबसाइट पे जो आर्टिफिशियल AOA होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर अल्टरनेशन करना है AOA में, तो सबसे पहले SR पास करके अल्टरनेशन कर सकते हैं, लाइक कन्वर्जन करनी है कंपनी को पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक को, और जो भी अल्टरनेशन होगी विद इन 15 डेज ROC को सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मीन्स ये एज्यूम किया जाता है कि कोई पर्सन अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसने सारे MOA AO की डिटेल पॉलिसीज वगैरह पढ़ी होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मीन्स ये एक्सेप्शन से लाइक आउटसाइडर को ये पता नहीं होता कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में क्या चल रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, इन दैट केस अल्टरनेशन करनी होगी MOA AO में और एप्लीकेशन करनी होगी ROC को, देन ROC सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, एंड कोई भी इफेक्ट नहीं होगा डेप्ट एंड लाइबिलिटी पेमेंट्स, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निधि कंपनी मीन्स जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं वो सेविंग्स वगैरह करके आपस में लोन वगैरह देते हैं, दैट इज निधि कंपनी। और निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, लाइक पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, और निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, और विद इन 1 ईयर में 200 मेंबर्स होने चाहिए टोटल, और 10 लाख की नेट ओन फंड हो जानी चाहिए, और फर्स्ट ईयर क्लोजिंग के साथ ही विद इन 90 डेज में आपको स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस की रिटर्न फाइल करनी होती है। और निधि कंपनी को रेस्ट्रिक्टेड होती हैं कुछ चीज़ें, लाइक बिजनेस ऑफ चिट फंड और इशू प्रेफरेंस शेयर एंड ओपन एनी करंट अकाउंट एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों को करना मना होता है निधि कंपनी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल को, तो निधि कंपनी को मिनिमम 10 रुपीज़ का शेयर इशू करना होता है, और हर डिपॉजिट होल्डर को मिनिमम 10 शेयर देने होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, निधि को अगर कंटिन्यूस 3 इयर्स तक प्रॉफिट होता है तो तभी ब्रांचेस खोलना अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। नेक्स्ट हम बात कर लें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की, तो मैक्सिमम अलाउड जो डिपॉजिट है वो 20 टाइम्स ऑफ नेट ओन फंड, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और अगर डिपॉजिट रीपेमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस डिपॉजिटर ROC को अप्रोच कर सकते हैं, या कोई डेफिशिएंसी आती है निधि में तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। और जो भी डिपॉजिट्स वगैरह होती है निधि में वो इंश्योर्ड नहीं होती, उसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं है बाय CG और RBI की वो रीपेमेंट करेंगी, एंड किसी भी न्यू डिपॉजिट होल्डर का अकाउंट ओपन करने से पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट होती है 6 to 16 मंथ्स की, और रिकरिंग डिपॉजिट होती है 12 to 16 मंथ्स की, और फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट रेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं RBI। तो नेक्स्ट हम बात कर ले अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में, मीन्स हर निधि को मिनिमम 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट करनी होती है अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, अनएनकम्बर्ड मीन्स फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं। निधि सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन दे सकती है, और मैक्सिमम रिटर्न जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 7.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर निधि को डिविडेंड देना है तो 25% या फिर रीजनल डायरेक्टर द्वारा जो भी अप्रूव कर दिया जाएगा उतना अमाउंट। कुछ कंडीशंस है, लाइक इक्वल अमाउंट जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र करना होगा, और डिपॉजिट रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और मैं ऑडिटर की बात कर लूँ तो इंडिविजुअल 1 टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, और फर्म ऑडिटर फर्म 2 टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और अबाउट निधि कंपनी, सो निधि कंपनी को हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज में ROC को
NDS-3 फॉर्म में, और ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है दैट निधि कंपनी सारे स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रही है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेनल्टी लग जाती है 5,000, जो कि एक्सटेंड होती है 500 पर डे की। इस हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर कंपनी, जो भी कंपनी सेक्शन 581B ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट में दिए हुए काम करती है वो कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बता देता हूँ, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विस, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंश्योरेंस वगैरह। सो ये ऑब्जेक्ट में अगर कोई कंपनी काम करती है तो वो प्रोड्यूसर कंपनी कहलाती है। रजिस्ट्रेशन 581C के अकॉर्डिंग होगा। हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स, जितने की वो प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करते हैं उतने वैल्यू की उन्हें बेनिफिट दी जाती है, और जितना शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है उस पर लिमिटेड रिटर्न मिलेगी, या फिर बोनस शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, या फिर अगर एनी सरप्लस है तो पेट्रोनस बोनस इशू कर दिए जाते हैं मेंबर्स को। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो प्रोड्यूसर कंपनी की MOA होती है उसमें नेम, स्टेट, ऑब्जेक्ट जैसे कि बाकी कंपनी की होती है वैसे ही सेम MOA में मेंशन होती हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्वालिफिकेशन, वोटिंग राइट एंड इलेक्शंस ऑफ चेयरमैन, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। एंड आर्टिकल्स में म्यूचुअल असिस्टेंट प्रिंसिपल होने चाहिए, और एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 5 डायरेक्टर, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15, बट अगर इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कन्वर्ट हुई है तो 1 साल तक मैक्सिमम 15 से ज़्यादा रह सकते हैं। और जो भी मैटर वगैरह ट्रांजैक्ट होता है जनरल मीटिंग में, अप्रूवल ऑफ बजट, पैट्रोनेज बोनस का अप्रूवल, या इशू ऑफ बोनस शेयर वगैरह। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वारम की। तो AGM में क्वारम चाहिए होता है 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सेक्शन 8 के बारे में। सो ये कंपनियां NGO वगैरह, ये कंपनियों के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स वगैरह, ETC, और जो भी इसको प्रॉफिट होता है सेक्शन 8 नॉन मेकिंग प्रॉफिट कंपनी को, NGO को, वो सारे प्रॉफिट को लगाने होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट मेंबर्स में नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। तो अमलगमेशन की बात कर ले तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ ही अमलगमेट होगी। और लाइसेंस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेशन करनी होगी फॉर्म IN-C-12 में, और ROC ग्रांट कर देगा लाइसेंस फॉर्म 16 या 17 में अकॉर्डिंग टू केस। और डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने होते हैं MOA, AOA, डिक्लेरेशन देनी होती है CAC एडवोकेट को IN-C-14 में, और जो भी स्टेटमेंट वगैरह देनी होगी एसेट्स एंड लाइबिलिटी की और इनकम एक्सपेंडिचर के, फ्यूचर एस्टिमेट 3 ईयर्स के बताने होंगे, और एवरी मेंबर्स को डिक्लेरेशन देनी होगी IN-C-15 में। सो फॉरेन कंपनी के बारे में हम एक न्यू वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनी के बारे में। और लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ LLP इनटू प्राइवेट कंपनी। एक LLP प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए कन्वर्ट होने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर जो मेंशन है हमारी स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।